सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड, अमीना बुटीक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको एक न्यू डिजाइन बनाना सिखाऊंगा जो आगे गले में हम बनाएंगे। इसमें हम फोम बटन का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही पाइपिंग का भी इस्तेमाल होगा। हम इसमें तीन तरह कलर के कपड़े लेंगे, जो एक पाइपिंग के काम आएगा, एक हम और वही फोम बटन के काम आएगा। कैसे कैसे गला बनेगा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। इसे आप मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ आप बना सकती हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो ये गला बनाने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमें इस डिजाइन के अंदर सबसे पहले जो लेना होगा, ये बुकरम लेना होगा, जिसकी चौड़ाई कम से कम 12 इंच चाहिए, लेकिन आप 11 इंच भी लेंगे तो इसमें बन जाएगा। हम यहाँ से थोड़ा इतना मोड़ लेंगे जिसमें कि हमारा 3 इंच ब्रॉड आराम से आ जाए। हम इसको इस हिसाब से मोड़ लेते हैं, ठीक है। ये मोड़ने के बाद आप इसको एक निशान ऐसे लगा लें बुकरम पे, तो आप देखेंगे जब इसे खोलेंगे तो आपका एक निशान जो है ये वाला उठ के आ गया, ठीक है। ये हमारा सेंटर, इससे पता रहता है। अब हमें एक निशान जो है इंची टेप या फुट्टी की मदद से हम एक सीधा निशान लगाएंगे। ये हमारा एक निशान लग चुका। अब हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा काम होगा, हमारा ये ब्रॉड जो हम है हमारा है 5.5 इंच का, तो हम यहाँ पर 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ पर हम 5.5 पे लगाएंगे। तो टोटल 5.5 इंच ब्रॉड हो गया। अब जो हम गला बनाएंगे उसके अंदर जो हम पट्टी लेंगे, वो 1.25 इंच की यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, दूसरा 1.25 इंच का यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद अब हम सबसे पहले गले का डीप लेंगे। हमारा गले का डीप है 7.5 इंच, तो हमारे को ये 5.5 इंच ब्रॉड से हमें गला डीप नापना है। तो यहाँ से 7.5 है तो हम यहाँ पर रखेंगे 8 इंच। ये हो गया हमारा गला डीप का निशान। अब हम जो निशान लगाएंगे ऊपर से, वो हम ऊपर से लेंगे कम से कम 15.5 इंच का निशान सीधा, और बिल्कुल 2.75 इंच पे हम एक सीधा इस हिसाब से कट ले लेंगे। तो दोस्तों, जब हम इस हिसाब से एक सीधा निशान लगा लेंगे तो एक निशान तो हमें यहाँ भी लगाना होगा आइडिया के लिए, क्योंकि हमें जो ब्रॉडनेस नापनी है उसका एक सीधा नाप ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा इस हिसाब से जब निशान हम लगा लेंगे तो हम यहाँ से एक शेप देंगे इस हिसाब से। ये हमारा गले की सेप हो गई, गले की सेप हमारी ये आएगी, ठीक है। ये आने के बाद अब हम यहाँ से लेंगे पैटर्न, जो हमारा ऊपर है ना, यहाँ से हम पैटर्न का निशान लेंगे। तो पैटर्न का निशान हम जो लेंगे यहाँ पे, हम लेंगे 0.25 इंच का निशान ऊपर 1.25, यहाँ पर 0.25 इंच, इतना इतना निशान ले लिया आपने। अब आप यहाँ से इसको निशान को इस तरफ से देखें, आप इस तरफ से इस निशान को हल्का हल्का इस हिसाब से ले और हल्का हल्का कम करते चले जाएं इस हिसाब से। ये देखिए, जैसे हमारा ये निशान हो गया ना एक, हम दूसरा निशान भी इसी हिसाब से लेते हुए जाएंगे और कम करते हुए चले जाएंगे। ये देखिए, जब हमारा एक बार में मेरा निशान बहुत बढ़िया लग गया, लेकिन आपके अगर ना लगे तो आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से पहले निशान लगा लें। यहाँ पे हम दोबारा नापेंगे 1.5 इंच है, तो 0.25 इंच की गैपिंग बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ की भी बराबर आनी चाहिए, यह चीज़ हमें ध्यान रखना है। और साथ ही ये भी ध्यान रखना है, यहाँ तो हमारा बराबर से आएगी जो हम कुटका जोड़ेंगे, लेकिन हमारा यहाँ से कुटका बढ़ जाएगा 2.5 इंच, तो हमें 2.5 इंच पे इस तरह में निशान लगाएंगे जब गला बनाएंगे। ये चीज़ मैं आपको समझा दूंगा। ये हमारा सेंटर हो गया। तो सबसे पहले हमारा इस गले में काटने वाला जो काम होगा, वो काम होगा जो ऊपर हमने निशान लगाया है, हम इस निशान को सीधा काट लेंगे। इसको सीधा काटने के बाद हम इसको भी सीधा काटेंगे बिल्कुल। जब ये सीधा काट लेंगे तो थोड़ा हम फालतू काटेंगे जिसमें हम पाइपिंग लगा सकें, तो हम थोड़ा इसको इस हिसाब से काट लेंगे, और हम अब इसको इतना इतना काट लेंगे जिसमें हम पाइपिंग अटैच कर पाए। तो देखिए दोस्तों, हमने ये कट कर लिया, ठीक है, और इतनी गैपिंग हमारी आ गई। हम यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे, ठीक है, तो हमने इसीलिए इस हिसाब से इसे काट लिया। अब हम जो काटेंगे, जो हमारा गला होगा वो हम इतनी दूर से काटेंगे। अब हमने कर लिया, अब हम इसको गले को बराबर से छांट लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने इस हिसाब से हमने इसको काट लिया, ठीक है। अब हम इसके बाद पैटर्न को काटेंगे इसके, और पैटर्न पहले ही सेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम सीधा कर लेते हैं हल्का, जो भी 19 आपको लगे ये सीधा हमने कर लिया।
अब हम इसके पैटर्न को काट लेंगे। अब जैसे हमने ये पैटर्न काट लिया, ठीक है, तो हमें इन दोनों पैटर्न के इस हिसाब से करने के बाद एक सेंटर लेना होगा। हमें यहाँ से काटना होगा पैटर्न को, हल्का कट लगा लो, इस हिसाब से आप ऊपर लगा लो, जिससे कि हमारे पैटर्न दोनों बराबर आ जाएं। ये हमने कट लगा लिया। अब हमारा निशान होता है आईडी के लिए। अब हम इसको बराबर से काट लेंगे। ये देखिए, ये हमने काट लिया। अब इसमें आप सबसे पहले जो काम करेंगे, वो काम करेंगे इसमें एक एक निशान लगा लें, और ये निशान लगाएं उस पर जो आपको याद रहे कि ये ऊपर वाले पे हमने निशान लगाया, दूसरे को बिना उसके रहने दें, क्योंकि ये पता रहना जरूरी है। अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया तो बैठेगा नहीं, इसलिए निशान लगाना जरूरी है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब हम इससे पैटर्न सेट करते हैं। पैटर्न सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे 2666 जो कि हम हलवान लेते हैं, उसमें आप देखेंगे ये मैंने 2666 लिए, जो हमारे जहाँ से कपड़ा चिपकेगा। देखो एक चीज़ और समझ लूँ, जो वन साइड गला होता है हमारा, वन साइड गले में हम क्या करते हैं, जो साइनिंग वाली जगह होती है ना, वन साइड गले में जो साइनिंग वाली जगह होती है, हम वहीं से रख के काटते हैं पैटर्न को। इससे क्या होता है, जब हम इस हिसाब से हम जब इसे काट के चिपकाएंगे तो हमारा पैटर्न ऑटोमेटिक इसी हिसाब से आएगा, अगर हमने कपड़ा इस पर चिपकाएंगे, क्योंकि हमारा ये तो अभी मान लीजिए ये हमारा साइनिंग वाला है, हमने इसको इस हिसाब से काटा, वो पैटर्न भी हमें इसी हिसाब से चाहिए। जब हम कपड़े को चिपकाएंगे तो ऑटोमेटिक इसी हिसाब से दिखेगा, लेकिन अगर आपने रफ वाली जगह पे इसको इस हिसाब से रखा और फिर चिपकाया, तो आप देखेंगे कपड़ा चिपकने वाला ये दूसरी तरफ का बन जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पैटर्न का निशान लगा लेंगे पूरे में, इस हिसाब से रखें। ये देखिए दोस्तों, हमने एक निशान लगा लिया, इसी हिसाब से हम दूसरे निशान को भी लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इसी हिसाब से काट लिया, निशान लगा लिया। अब हम इसे काटेंगे, और हमने जहाँ एक तीर का निशान था ऊपर वाले को हमने लगा लिया। अब हम जहाँ जहाँ से फिक्स काटेंगे, मैं आपको पहले वहाँ से काट के दिखाता हूँ। ये वाला हिस्सा हमारा फिक्स कटेगा, और ये गोलाई फिक्स कटेगी, और ऊपर से फिक्स कटेगा। ये तीन जगह फिक्स कटने के बाद आप जिसमें गला फंसाएंगे उतना उतना मार्जिन एक्स्ट्रा काट लें। अब देखिए, ये आपने काट लिया, जैसे आपने ये काटा सेकंड वाले को भी आप वैसे ही काटेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने ये बिल्कुल फिक्स काट दिया। अब ये इस हिसाब से आ जाएगा, ये देखिए ये इस हिसाब से आ जाएगा बिल्कुल बराबर। और यहाँ पे हमारा ये जो हमने गले का पैटर्न काटा था, यहाँ पे जो हमने गले का पैटर्न काटा था, वो इस हिसाब से देखिए आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल फिक्स। इस हिसाब से आप काटें। अब हम इसको चिपकाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अब हम इसको चिपकाएंगे। चिपकाने के लिए हम इसको इस हिसाब से रखेंगे। अब दोस्तों, जब हम ये काट लेंगे तो हम इसको इस हिसाब से चिपकाने के बाद हम इसको काट लेंगे, और जहाँ पे हम ये थोड़ा थोड़ा फालतू काटेंगे, जहाँ से हम गले को इसको पलटेंगे, बाकी को फिक्स काट लेंगे। जो हमारा दबाव में जाएगा कपड़े को, उसको हम फिक्स काटेंगे। ये हमने ये काट लिया। अब आप देखेंगे, हमने इधर चिपकाने का इधर उठाया तो ये इस हाथ का बन गया। तो इस हिसाब से आप काटेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस हिसाब से आप दूसरे वालों को भी काटें, और फिर उसके बाद हम मशीन पे चलते हैं, आपको बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा। तो दोस्तों, ये देखिए हमने जो पैटर्न चिपकाया था, अब हम इस पैटर्न को पलटेंगे। तो सबसे पहले कपड़ा लें, और इस हिसाब से रखने के बाद हम इसे पलटेंगे, जैसे कि हम गले को पलटते हैं। तो दोस्तों, जब ये मार्जिन हम काट लेंगे तो साइड वाले को भी थोड़ा थोड़ा काट लें, जिससे कि हमें दिक्कत ना हो। और इस साइड में तो गोलाई हम यहाँ पे कट लगा लेंगे पूरे में, और हम इसको अंदर की तरफ पलट के नोक से पलट देंगे। ये नोक हमने निकाल ली। अब हम इसको इस हिसाब से करके एक लकड़ी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, बाकी उसके बाद हम इसके जितना भी फालतू मार्जिन होगा इसको हम काट लेंगे। जब आप इस हिसाब से कर लेंगे तो आप इसका जो पैटर्न था हम दिखाते हैं। हमारा इसमें पैटर्न था, हमारा ये वाला था बड़े वाला पैटर्न। अब हम इस पैटर्न को इस हिसाब से रखेंगे। ये देखिए, ये आ गया पैटर्न।
हम इसके पैटर्न को इस हिसाब से रखने के बाद हम इसके यहाँ पे एक जड़ में सिलाई लगाने चलेंगे, जिससे कि हमारा ये निशान उठ जाएगा। ऐसे करके हम पूरे को इसको निशान लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमने पैटर्न का निशान आ गया, हमारा उठ गया। अब हमारे बुकरम की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम ये लगा लेंगे उसके बाद हम ये देखिए, हमने पाइपिंग बनाई है, डोरी वाली पाइपिंग है। डोरी वाली पाइपिंग में हमारा ये वाला हिस्सा उल्टा है, हम उल्टे हिस्से को इस हिसाब से रखेंगे, और इस हिसाब से रखने के बाद हम इस पर एक लप्पी सिलाई लगा लेंगे, वो पाइपिंग निकालेंगे। तो दोस्तों ये हमारी पाइपिंग निकल चुकी है। अब इसके बाद आप जैसे हमने इसमें पलटा है, हम दूसरे वाले को भी वैसे पलट के निशान लगा के पाइपिंग लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने ऊपर वाले को भी इस हिसाब से पलट लिया। अब हम इसको इसमें जमाएंगे, तो जमाने के लिए हम पाइपिंग को नहीं लेंगे, जो हमारा ये कपड़ा है कपड़े को सिलाई के ऊपर रखेंगे बराबर से एक, ठीक है। और रखने के बाद हम इस पैटर्न को पूरा जमा देंगे। इस हिसाब से हम पहले रखते हुए जाएंगे ऊपर, जिससे कि हल्का ऊंच नीच भी पड़ता है तो हम ओके कर लें, ठीक है। जैसे ही हमारा इस हिसाब से ओके आ जाएगा तो हम यहाँ जमाते हैं इसको। ये देखिए, जब हम इस हिसाब से कर लेंगे तो हम नीचे एक सिलाई और मार लेंगे, जिससे कि हमारा ये पैटर्न पूरा जम जाएगा। तो दोस्तों ये हमने जमा लिया। अब हम इसको सबसे पहले तो हम इसको नापेंगे ब्रॉड, इसकी इसका ब्रॉड आ जाएगा 2.5 इंच 1 सूत। तो 2.5 इंच 1 सूत हम गला बनाते हुए मैं आपको बताऊंगा कैसे किस तरीके से कवर करना है। अब ये आपका पूरा ये पैटर्न तैयार हो चुका, हम इसे हटा के धागा लगाएंगे दूसरा, और आपको गला पलट के दिखाएंगे कि बाकी काम हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों अब हम ये गला जमाएंगे जैसे कि हम बाकी गले जमाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने ये कर लिया। अब इसके बाद आप यहाँ पर एक 2.75 इंच का ऐसे करके एक निशान लगा लें, और ये जो आप इस हिसाब से करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी क्रीज इस गले की। हम यहाँ पे कट लगा लेंगे और ये हमारी क्रीज हो गई, जो हमारा सेंटर वाला हिस्सा बनेगा। और यहाँ पर हम इसको 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, तो एक 2.75 इंच का निशान यहाँ पर लगाएंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे 2.5 इंच आ रहा है, तो ये हमारा 2.5 इंच से हल्का सा कम है। और मैं आपको एक चीज़ में बताना भूल गया हूँ, ये हमारी कॉलर वाली कुर्ती है, ठीक है। ये कॉलर है, इसमें हम डिजाइन बना के दिखाएंगे आपको कॉलर भी साथ में। अब इसे हम खोलते हैं, तो ये हमारा सेंटर वाला क्रीज वाला हिस्सा हो गया, और जो हमारा इस तरह में 2.5 इंच बढ़ रहा था, तो हम यहाँ पर 2.5 इंच बढ़ा के कुटका लगा देंगे। यहाँ पर हमारा गले का निशान आएगा। अब हम इसको गले को हम कुटके से ऐसे मिलाएंगे, और इसकी क्रीज के साथ ही हम इस पर सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारा ये बिल्कुल सीधा हो जाए। अब हम इसको देखिए, यहाँ पे हमारा कुटका आ गया बराबर 2.5 इंच पे। अब हम इसको यहाँ पर जमाएंगे, पूरा गला पलट लेंगे जमा के। तो अब दोस्तों हम इसको एक पैर के निशान से काटने के बाद यहाँ पे कुटके लगाएंगे साइड में, जैसे हम लगाते हैं उसे हम पलट लेंगे। अब दोस्तों हम इसकी नोक को इस हिसाब से पलटेंगे, जो कि एक बढ़िया नोक निकल आए,
ये देखिए हमारी नोक निकल गई। अब नोक निकलने के बाद हम इसके पूरे गले पे एक लपकी सिलाई लगा लेंगे। तो दोस्तों ये हमने गला पलट लिया, अब हमारा काम है पाइपिंग लगाना। तो हम पाइपिंग वाला हिस्सा इस हिसाब से लेंगे, जो हमारा उल्टे वाला हिस्सा है, डोरी वाली पाइपिंग है, हम इसको इस हिसाब से रखने के बाद पूरे में पाइपिंग लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमने पूरे में पाइपिंग निकाल ली। अब हम पाइपिंग निकालने के बाद जो हमारा ये वाला पैटर्न था, हम इस पैटर्न को जमाएंगे। पैटर्न जमाने के लिए हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। पहले हम बराबर रख लेंगे एकदम इसको, पाइपिंग से पाइपिंग मिलके आ जाए, बराबर रख लेंगे। और इसको हम अब इस हिसाब से ऊपर ऊपर ले आते हुए आपस में मिला के हम इसको, ये देखिए मिल के आ गया, अब हम इसे जोड़ देंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमने इस हिसाब से हमने इसको कर लिया, ठीक है। अब हम इसमें लगाएंगे फोम बटन, इसके लिए हम फोम बटन पहले बना लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमने ये फोम बटन बना लिए इस हिसाब से, जिस हिसाब से हमने पैटर्न लगाया उसी का हमें फोम बटन बनाना है, उसी गोल्डन कपड़े का। अब ये फोम बटन कैसे बनाते हैं या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपने, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं ये हम फोम बटन कैसे बनाते हैं। और इसके हमने तीन तरीके बता रखे हैं, आप इसको बड़ी सफाई से बना सकते हैं। अब हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, हम इस हिसाब से अटैच करके, और हम पहले कच्चा डालेंगे पूरे में, हम कच्चे कर लेते हैं इसे इस हिसाब से, इसको थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम इसको लगा लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमने इस हिसाब से फोम बटन लगा लिए एक गैपिंग में। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ से लेके जो ये हमारा यहाँ तक हमें कपड़ा अटैच करना होगा, कपड़ा अटैच करेंगे हम इस साइड में। इसके लिए हम कपड़े को इस हिसाब से, आप देखें ये हमारा डेमो पीस है इसलिए मैं आपको सिर्फ कच्चा करके दिखाऊंगा, ये हम इस हिसाब से करेंगे। और जो हमारा ऊपर पक्का हो जाएगा, जो हम साइडों में इसको ओवरलॉक कर लेंगे, या फिर आप ओवरलॉक नहीं है तो आप इसे पक्का भी कर सकते हैं अपने स्टाइल में, जैसे भी आप कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको इस हिसाब से रखेंगे, और रखने के बाद पहले तो आप इसको नापेंगे जहाँ पे आपके फोम बटन आ रहे हैं। ये फोम बटन कहाँ तक आ रहे हैं हमारे, ये हमारा फोम बटन यहाँ तक आ रहे हैं, तो हमें यहाँ तक पक्का करना है। तो हम इसको कपड़े को इस हिसाब से रखेंगे बराबर से, और हम इसको अब सिलाई लगा लेंगे नीचे से की तरफ से, पक्का कर लें अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद हम इसको सीधा करके लगा दें। ये देखें जब ये आप इस हिसाब से लगा लेंगे, तो सबसे पहले तो आप गोल्डन धागा एक ले लें, जो कि यहाँ से लेके हमें यहाँ तक गोल्डन धागे सिलाई लगानी होगी, तो गोल्डन धागा आप ऊपर चढ़ा लें। तो देखिए दोस्तों हमने गोल्डन धागा चढ़ा लिया इसका, ठीक है। और हम इसको इस हिसाब से मिलाने के बाद अब हम इसके सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा यहाँ तक का गोल्डन का धागे का काम खत्म हो गया। अब हम रेड धागा चढ़ा के बाकी काम पूरा कर लेंगे। दोस्तों हमने रेड धागा चढ़ा लिया, अब हम इसको बाकी सिलाई को मारेंगे। तो हम इसको इस हिसाब से रखें, यहाँ पक्का करेंगे अच्छी तरीके से, और हम इसको बिल्कुल मिला के पाइपिंग से पाइपिंग मिला के इसको बना देंगे। तो देखिए दोस्तों जो हमने सिलाई मारी थी कच्ची, हम इसको अब खोलेंगे। तो दोस्तों जिस हिसाब से हमने ये खोल लिया, अब देखिए अब हम इसको इस हिसाब से एक सेकंड सिलाई मारेंगे, जिससे कि हमारा का पूरा पैटर्न इसका जम जाएगा। हम इसको दूसरी सिलाई मारते हैं। तो ये हमने दूसरी सिलाई मार दी, मैं आप इसको अच्छी तरह सेट करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए हमारा गला ये बन चुका है। अब हम इसको दूसरे पल्ले में जमा के कॉलर की तैयारी करते हैं। तो हम दूसरे पल्ले में कैसे जमाएंगे, हम इसको बैक पल्ले को खोलेंगे, और खोलने के बाद हम इसको इस हिसाब से रखेंगे, उस सिलाई लगा देंगे आधे इंच के हिसाब से पूरी सिलाई लगा देंगे। फिर हम इस जगह पर आने के बाद हम इसको कपड़े को यहाँ से मिलाएंगे, इस हिसाब से छोड़ के इसे भी सिलाई लगा देंगे, फिर एक सेकंड सिलाई मार के पक्का करते हुए चलें। देखिए अब आपने इस हिसाब से सिलाई लगा ली, अब आप यहाँ से इसका ब्रॉड नापेंगे, तो ये आपका आ रहा है 6.25 इंच। तो हम 3 इंच 1 सूत्र पे एक निशान लगा लेंगे, ये हमारा सेंटर हो गया इसका, ठीक है। अब हम इस पे इसके लिए कॉलर बनाते हैं। तो कॉलर आपको मैं बताता हूँ कैसे काटेंगे, कैसे बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों हम एक बुकरम लेंगे,
बुकरम लेने के बाद इस हिसाब से हम काटेंगे, गोलाई दे देंगे डबल में, और इस हिसाब से हम खोलेंगे तो ये हमारा वैन हो गया। इस वैन को हम बिल्कुल सीधा काटेंगे। सीधा काटने के बाद हम इस कपड़े को ऐसे लेंगे और इस हिसाब से रखेंगे, एक कच्चा लगा लेंगे इसके ऊपर, एक कच्ची सिलाई लगाने के बाद हम दूसरी सिलाई लगाएंगे तो इस बुकरम की एक लप पे आएगी, बिल्कुल जड़ पे बुकरम के ऊपर लगनी चाहिए सिलाई इस हिसाब से। ये देखिए बुकरम के ऊपर आपको सिलाई नज़र आ रही है जो दूसरी तरफ उठ गई, ये हम यहाँ से कॉलर जमाएंगे और आप थोड़ी थोड़ी गैपिंग पे इस पे कट लगा लें जिससे कि हमें काफ़ी फ़ायदा होगा, वो आपको दिखाऊंगा मैं कॉलर पलटने के बाद क्या फ़ायदा होगा। ये कुट के लगाने के बाद आप एक कपड़ा और लेंगे जो इस हिसाब से रखने के बाद हम ऐसे रखेंगे और यहाँ से हम इसको सिलाई लगाएंगे बिल्कुल कपड़े पे, बुकरम पे सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए ये, और इसको बराबर से पलट लेंगे। हम इसे एक पैर के मार्जिन के हिसाब से काट लेंगे और इसे हम पलटने के बाद इसके ऊपर एक इस हिसाब से हम पलटेंगे और एक लप की सिलाई लगा लेंगे। और अब इसे ऐसे रहने देंगे हम। इस ये पाइपिंग हमने ली है जो कि हमारा कच्चा वाला हिस्सा ही हमारी डोरी वाली पाइपिंग है, हम इसको इस हिसाब से रखेंगे और कॉलर के चारों तरफ इसको घुमा देंगे। ये देखिए हमने पाइपिंग लगा ली, अब हम एक दूसरी सिलाई लगाएंगे एक पैर की जिससे कि पाइपिंग ये उठ रही है हमारी, ये हमारी जम जाएगी। उससे पहले कि हम जो कच्चा मन लगाया था हम उसको खोलेंगे। ये हमने कच्चा खोल लिया, देखिए कितने प्यार से खुल गया जो हमने कट लगाए थे। ये देखिए अब हम इस पर सेकेंड सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इसके जो भी फालतू मार्जिन है इसको काटेंगे और अब इसको ऐसे मिला के एक निशान लगा लेंगे। ये हो गया हमारा कॉलर का सेंटर। अब हम इस पर ओवरलॉक करेंगे और उसकी कंडी पे ओवरलॉक करेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे चढ़ेगा कॉलर। तो देखिए दोस्तों जो हमने ये निशान लगाया था शायद आपको नज़र आता हो, गुलाबी कलर का निशान है। हम इस निशान को जो कमीज वाला निशान है हम उस निशान से ऐसे मिलाएंगे और मिलाने के बाद सिलाई वाले हिस्से को इस हिसाब से रखते हुए अब हम इसको मिला लेंगे और एक लब की सिलाई इस पर मार देंगे पक्की करके बारीक। इस हिसाब से कॉलर चढ़ाएंगे। देखिए पहले तो सबसे पहले हम इसको देखिए कपड़ा मैं कैसे हाथ रख रहा हूँ। सबसे पहले कपड़े को यूं रख लें, जब इसके आपको यहाँ पे लब पे चढ़ जाए उसके बाद आप इसको कपड़े को यूं करके घुमा दें कॉलर को। जिससे कि आपके झोलनी पड़ेगी। और आप इसको भी इसी हिसाब से सिलाई लगा लें। यहाँ पे पक्का करेंगे और यहाँ पे मेरे को धागा चेंज करना होगा क्योंकि गोल्डन धागा आ रहा है। अब इसे धागा चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगेगा सिलाई आने के। तो देखिए दोस्तों हमने धागा चेंज कर लिया है, अब हम इसको इस हिसाब से घुमाएंगे और इसको रखने के बाद हम इसको पक्का कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये हमने पक्का कर लिया, अब हम बाकी फालतू जो भी धागे होंगे हम इसको काट देंगे और साथ में आपको काउंटर पे दिखाते हैं कैसा बना। तो दोस्तों ये देखिए इस हिसाब से हमने कॉलर लगाया है, पाइपिंग लगाई है और फोम बटन को हमने इस हिसाब से अटैच करा है। जहाँ जहाँ पे हमें गोल्डन धागे की जरूरत है हमने गोल्डन धागा लगाया है और इस हिसाब से हमने बनाया है। ठीक है, ये थोड़ा कंट्रास्ट में आपको नीबीस लगता होगा लेकिन आप अगर अच्छा कंट्रास्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि ये मेरे डेमो पीस होते हैं आपको दिखाने के लिए आप डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं, लेकिन आप अच्छा कंट्रास्ट यूज़ करेंगे कपड़े में तो आपका अच्छा बन के आएगा। तो दोस्तों ये देखिए हमने इसमें कॉलर हटा दिया है और मैं सिंपल आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप सिंपली बनाना चाहते हैं तो आपका ये लुक आएगा, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा बना सकते हैं। अगर दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो हमें सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।